ये ट्रक इतना बड़ा है, इसकी रोड प्रेजेंस इतनी ज्यादा है यहाँ पे खड़ा हुआ ना। आप इसके आगे छोटे वाले कछुए लग रहे हो। मेरी हाइट 5'11" है और ये पागल मॉन्स्टर लग रहा है। मेरे कंधे तक, मैं 5'11" हूँ, मेरे शोल्डर तक इसका हुड आ रहा है। तो भाई आज हम ना यहाँ पे एक कार खरीदने के लिए आए हैं। यूज कार मार्केट है ये, और ये ना दुबई के बहुत पास ही है, बहुत दूर नहीं है। अगर देखे ना हर तरफ कार ही कार है। अगर ये वाली देखो ना, ये वाले ऐसे फोर्ड रैप्टर या रैम ट्रक हमें अगर मिल जाए रेंट पे तो मजा आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि ये लोग रेंट वाला तो सीन ही नहीं है, ये लोग बेचने वाले लोग हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे शोरूम है, और सुपर लग्जरी कार, सुपर स्पोर्ट्स, जितने भी ऐसी हैं रोस्टर वगैरह या फिर जो भी ट्रैक कार्स भी है ना। इनफैक्ट ये देखो मसल कार, ये खड़ी है एक डॉज, ठीक है ना, ये खड़ी है एक कैडी का काली दिनाली, देखना क्या लग रहा है, जो बोहेमिया की कार है कितनी सुंदर लग रही है। फिर ये एक मसल कार खड़ी है यहाँ पे। तो ये जो गाड़ियाँ हैं कि यहाँ पे ऐसी खड़ी हैं मजे वाली, यहाँ पे गाड़ियाँ ऐसे मिलती हैं जैसे मंडी में आलू और प्याज मिलते हैं। अच्छा, कोई भी ऐसी कार नहीं है अभी तक इस मंडी में जो कि ऐसा हो कि कोई यूनिक है, किसी के पास है ही नहीं, या फिर मेरे दिमाग में तो कोई ऐसा नाम नहीं है। बताओ कौन सा नाम है, कोई सुपर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही होगा जो कि सुपर कार ब्लॉन्डी दिखाती होगी तो बातचीत अलग है नहीं। गाइस लुक एट दिस, ये देखो ये एक एवेंटाडोर, क्या प्यारी सी लगती है ना, बीच में छोटी सी खड़ी हुई है बिल्कुल। और रोल्स रॉयस वो कितनी सारी खड़ी हुई है, एक ये रोल्स रॉयस खड़ी हुई, एक वो रोल्स रॉयस खड़ी हुई है। अगर वहां पे देखे तो रोल्स रॉयस ही दो दो तीन तीन खड़ी हुई है यहाँ पे कि आओ लो अपना कार्ड स्वाइप करो और चले जाओ। वैसे एक बात बताओ, लाइफ ऐसे देशों में है जहाँ पे ना चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें तो भूल जाओ, ऐसी बड़ी चीज़ों की भी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। और अगर हम जैसे ये देख भी रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, डोर्स भी खोल रहे हैं, तो कोई यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं रहा, मना भी कर रहा, लेकिन हाँ आप लोगों को थोड़ा तमीज में रहना है नहीं। तो ये जो रोल्स रॉयस खड़ी है ना, ये थोक के भाव हर एक चीज़, जैसे ये जो कैलन है ना, ये SUV है रोल्स रॉयस की, ये अच्छी लगती है यार, काफ़ी अच्छी लगती है। बट हमारे पास जो ये कार है, ये है जो मेरे को इस लाइन में सबसे खूबसूरत जो कार लग रही है, वो ये है मर्सराती। अब ये मर्सराती का क्या मॉडल है, कैसा मॉडल है, इसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ डेडिकेटेड वीडियो। ये वीडियो करते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपको और मार्केट। मर्सराती गिमली का हमने वीडियो बना लिया प्रीवियस था, अगर आपको देखना हो, और वैसे देखिए यार। लेकिन चलते चलते ये खूबसूरत सी चीज़ दिखी है मुझे यार, ये फोर्ड देनाली, HD देनाली, काली देनाली, गड्डे शीशे काले, फिर तो डर दे पुलिस वाले, काली देनाली शीशे, गड्डे शीशे काले, आहा बोहेमिया वाल या। ये एक्चुअली काली दिनाली जो बोहेमिया साहब अपने गानों में गाते थे ना, बेसिकली ये जो है ना, ये पिकअप ट्रक वाला है। इसके अंदर एक काली दिनाली और जो SUV वाली आती है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। बट ये चलते चलते जितना हम कवर कर पा रहे हैं उतना कर वो कर पा रहे हैं। बट व्हील्स जो है ना यार, क्या सेक्सी लग रहे हैं ना, मस्त है ना, बड़े बड़े। वैसे इसके व्हील जो हमारे में टाटा 709 चलता है उससे भी बड़े हैं। अच्छा, इसमें ये देखो कि गैप कितना है, जो ज्यादा वो कितना है ना। ये ट्रक इतना बड़ा है, इसकी रोड प्रेजेंस इतनी ज्यादा है यहाँ पे खड़ा हुआ ना। आप इसके आगे छोटे वाले कछुए लग रहे हो। मेरी हाइट 5'11" है और ये पागल मॉन्स्टर लग रहा है। इसका तो ना, इसने तो कतल ही कर दिया। ये इसका फ्रंट GMC दी काली दिनाली, ये इसका फ्रंट है। मेरे कंधे तक मैं 5'11" हूँ, मेरे शोल्डर तक इसका हुड आ रहा है। लाइटें आ रही है, लाइटें, ये देखो, मतलब ये कुछ अलग नहीं लग रहा, मेरे शोल्डर तक ये गाड़ी आ रही है। मेरे अंदर पंजाबी एक्सेंट क्यों आ रहा है भाई? भाई तू पंजाबी नाल रह रहे हैं इस करके, पंजाबी एक्सेंट आ रहा है यार, हद्दू की। अब दिखाई थी ना बड़ी काली दिनाली, अब दिखाऊंगा सबसे छोटी कार। ये देखो, ये है रेनॉ की छोटी सी ZE, कितनी छोटी सी है। अभी तो काली दिनाली देखी आपने, तो मतलब हर एक टाइप का कस्टमर है यहाँ पे। ये इतनी छोटी, इसको जफ्फी पा सकते हो। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रही है भाई गाड़ी, ऐसे करके हाथ खोल दिया आपने, वो वाले एंगल से दिखाओ, वो वाले एंगल से ऐसे करके अगर हाथ खोल दिया तो ये गाड़ी खत्म हो रही है ना। हाँ खत्म है ना, खत्म यहाँ से। और मेरा ये हाथ भी बाहर आ रहा है इससे, ये वाला हाथ भी बाहर आ रहा है, इतनी थोड़ा सा अंदर आ रहा है, थोड़ा सा अंदर है। हाँ अब देखो, ये बनाई ना एक ही बंदे के लिए, दिखा दो जरा एक बार। ये सिर्फ एक ही बंदे की कार है, सिंगल इंसान ही इस पे बैठ सकता है अगर अंदर से ना, यहाँ से फ्रंट से अगर देख पाए, क्योंकि हम उसको खुलवा नहीं रहे, इसके अंदर कुछ है भी नहीं, बताने वाला कुछ है भी नहीं। तो ये छोटी सी चीज है, अंदर बस एक ही बंदा बैठ सकता है। अरे भाई, यहाँ पे ना छोटा बड़ा ना सब तरीके का सामान मिलेगा, जैसे कि ये ट्रक, ये टोयोटा का ट्रक पिकअप है, मैक्स D4 Max नाम है इसका, है ना, काफी चीज, अलॉय व्हील वगैरह। और एक चीज अगर जूम करके दिखा रहे तो वहाँ पे एक ATV भी खड़ी है। ओह, ATV तो जबरदस्त लग रही है। ये सिर्फ और सिर्फ वही बातें बता रहा हूँ जो सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, जो गाड़ियों के हम रिव्यू देंगे वो तो एक अलग चीज है। लेकिन क्या तो साइज है गाड़ियों के, क्योंकि यहाँ पे ना तो जगह की कमी है ना ही पैसों की कमी है, पाजी
जगह की भी कमी नहीं है, पैसों की कमी तो है ही नहीं, बस ये है कि सब बस रोला ही। अरे लोग मिलेंगे यहाँ पे ना जाने कैसे कैसे, दुबई आ जाओ कमाओगे खूब पैसे, खूब पैसे, पैसे की कमी है ही नहीं। और अभी आप पता कैसे लग रहे हो, जहाँ पे आप खड़े हो ऐसे लग रहे हो देवता देवता जो है ना प्रकट हो गया, और पीछे जो है ना पूरा सूरज ऐसे आ रहा है एकदम गोल। अब आशीर्वाद दे दे, ये काम बनता रहेंगे अपने। चलो चलो बस बहुत हो गया, बट चलते चलते पैरों पे ना झूला हो गया है। यहाँ पे ना चलते चलते ना तुम्हें कुछ भी दिख सकता है डिफरेंट, जैसे कि ये वाली मर्सिडीज क्या बना रखी है, जी वैगन ब्रावस, और ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इसको मतलब कुछ डिफरेंट ही है ये, इतनी बड़ी है। थोड़ा सा दूर से भी दिखाओ ना अगर साइड वाला। अरे दूर से क्या दिखाऊं, बहुत बढ़िया भाई, इसमें चढ़ के कैसे जाएगा बंदा। चलो ये तो हो गया ना, एक गाड़ी मैंने आपको दिखा दी, अब हम ना इसका डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, वो डलेगा नेक्स्ट, वो आपको जरूर देखना है।